बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। की जय। जय बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जी। शरद पूर्णिमा की सारी सब हाँ बहुत बधाई, जी, आपको और भी बुद्ध भैया को भी उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बापू जी बधाई। आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, आप ऐसे ही और संगत को जोड़ते रहे, थैंक यू, कृपा बनी रखे पूरे परिवार पर। श्री शुक्रिया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथाष्टमोऽध्यायः। बापू की प्यारी सास संगत जी, हम 8वें अध्याय के श्लोक 16 तक श्रवण किए। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से हमें ये उपदेश दिया कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर, मतलब ऊंचे से ऊंचा, कितने ही ऊंचा लोक क्यों ना हो, और वहां से लेकर निम्न तक सारे लोक दुख के ही घर है। चाहे इंद्रलोक हो, सूर्य लोक हो, ब्रह्म लोक हो, सब दुखों के ही घर है। क्योंकि जैसे जैसे सुखों का पूर्ण हो जाने पर क्षीण होते जाते हैं धीरे धीरे हमारे कर्म, तो फिर मनुष्य को पृथ्वी पर आना ही पड़ता है, लौटना ही पड़ता है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। भगवान कहते हैं कि किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, जो मेरे निज चरणों में अपना स्थान पा लेता है, फिर वो कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात उसका फिर पुनर्जन्म कभी नहीं होता, वो फिर कभी धरती पर वापस लौट के नहीं आता। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्म लोक, चंद्र लोक, इंद्र लोक जैसे उच्च स्तरों से लोग पृथ्वी पर गिरते ही हैं, और जो उच्चतर लोकों में परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं, उस पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, वो फिर उनसे भी ऊपर उठ जाते हैं, और प्रलय के समय वो फिर नित्य परम धाम अर्थात मेरे ही शरण में स्थान प्राप्त करते हैं। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 17। सहस्त्र युग पर्यंतम यरहर द्वयम् ब्राह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्रात्रानाम ते हो रात्र विदो जनहा। ये थोड़ी लंबी इसमें भगवान ने व्याख्या दी है कि मानवीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। वाह, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, अर्थात जब ये ब्रह्मांड की एक सृष्टि हुई और कब ये विलीन हो जाएगी, इसकी अवधि एक सीमित है। ये कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। ये कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग अर्थात सत्य, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग के 1,000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान, धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान और पाप का एक तरह से नितांत ही अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चला।
त्रेता युग में पापों का आरंभ हुआ और यह युग 12,16,000 वर्षों तक चला। द्वापर युग में सदाचार और धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं, तो यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। और सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, इसमें कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप की प्रधानता है और सदाचार का प्राय लोप ही हो रहा है, तो यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इसके अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे फिर सतयुग का शुभारंभ होता है। इसी तरह ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग 1,000 चक्र कर लेने पर ब्रह्मा जी के एक दिन के तुल्य होता है और इतने ही वर्षों की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत विचित्र तथा समाप्त न होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक की तरह अल्प होती है। असंख्य ब्रह्म अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर ही परिवर्तित होते रहते हैं। अर्थात यहाँ पर इतनी गणना जो परमात्मा बता रहे हैं कि 1,000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है, दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कहने का भाव है कि कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, वह भी एक काल की अवधि है, उसकी भी एक निश्चित अवधि है, एक ना एक समय वो भी समाप्त हो ही जाती है। तो ऊंचे से ऊंचा कहे जाने वाले जो भोग हैं, वे भी संयोग जन्य होने से दुखों के कारण ही है। यही स्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते, जो हमने 5वें अध्याय में श्लोक श्रवण किया था। और काल की ही अवधि वाले हैं, केवल एक भगवान ही कलातीत है, अर्थात समय से परे है। वो स्वयं अलग है, आदि है, स्वयं ही उनकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्म लोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते, अर्थात जो उस पार ब्रह्म जो काल से भी परे है उस परम तत्व को जान लेते हैं, तो फिर उनके लिए सिर्फ परमात्मा को जानने के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता। वे केवल उसी की भक्ति, उसी से ही अपना प्रेम को बढ़ाते हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ॐ श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन्नारायण नारायण नारायण, भवसे तारायण तारायण तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण नारायण, भवसे तारायण तारायण तारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। जय जय, वाह जी वाह, कोटि कोटि धन्यवाद संगीता, जो गीता का उपदेश हमें आप देती हैं। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, गीता का उपदेश देने वाले तो प्रभु स्वयं है भगवान। हाँ, वो भगवान कृष्ण का जो मैसेज आप पास करती हैं सब पे, ये बहुत बड़ा पर्व आ रहा है आपका। आपका धन्यवाद। और आपके पिताश्री से सुन लेते हैं अभी, आपके पिताश्री से ओम प्रकाश अरोड़ा जी, आप सुना। हाँ जी।